मैप इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे व्यस्त रहने वाले समुद्री मार्गों में से एक स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 193 किलोमीटर लंबी और लगभग 205 मीटर चौड़ी यह नहर यूरोप को हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों के साथ जुड़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया कराती है। स्वेज नहर की गैर मौजूदगी में अरब सागर से यूरोप जाने वाले जहाजों को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाकर जाना होगा। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में इसे खोल दिया गया था। हालांकि इस तरह की एक नहर बनाने का विचार पहली बार फराओ सेनुसर III ने दिया था। इस नहर पर मिस्र की अथॉरिटी है जो भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। पोर्ट स्वेज इसके दक्षिणी सिरे पर मौजूद है और उत्तरी सिरे पर है पोर्ट सईद। इसके दक्षिण में स्वेज की खाड़ी है जबकि पूर्व में सिनाई प्रायद्वीप मौजूद है।